Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, today I am going to teach you chapter 10 of your main course book. The name of the chapter is A Strange Visitor. The name of the chapter is A Strange Visitor. Today we will revise this chapter. So, dear student, you all please pay attention whatever I am going to teach you.

दीज आर सम्पल्स ऑफ अनयजुअल एंड स्पेशल फ्रेंडशिप डू यू नो एनी सच स्टोरी ऑफ एन अनयूजुअल फ्रेंडशिप शेयर इट विद अड गोन टू द हॉस्पिटल टू शी अंड इल फ्यू डेज है गो आई हेड गोन टू द हॉस्पिटल टू सी अर फ्रेंड हु कुछ दिन पहले आई हेड आई किसके लिए बोला गया है राइटर के लिए राइटर क्या बोलते हैं कि कुछ दिन पहले मैं कहा गया था हॉस्पिटल में किसको देखने गया था एक अपने फ्रेंड को देखने गया था जो कि बीमार था अ फ्यू डेज ए गो आई हैड गोन टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड हु वाज इल एज आई वेंट इन थ्रू द गेट्स आई सॉ एन एलिफेंट स्टैंडिंग गार्ड आउटसाइड द इमरजेंसी वार्ड एज सुन एज आई वेंट इन थ्रू द गेट्स राइटर वट इज टेलिंग राइटर बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले मैं कहा गया था हॉस्पिटल में गया था किसको देखने गया था अपने एक फ्रेंड को देखने गया था जो कि बीमार था तो क्या बोलते हैं जैसे ही मैं गेट के तरफ गया मैं क्या देखा कि एक इमरजेंसी वार्ड के पास कौन है? खड़ा है एक एलिफेंट खड़ा है एस सुन आई वेंट इन थ्रू द गेट आई सॉ एन एलिफेंट स्टैंडिंग गार्ड आउटसाइड द इमरजेंसी वार्ड अ नंबर ऑफ पीपल हैड क्राउडेड हिम बहुत सारे लोग कुछ लोग जो थे उस एलिफेंट को घेर कर खड़ा हुए थे घेर कर खड़े थे पीपल हैड क्राउडेड अराउंड हिम हिम लुकिंग एट क्लोजली आई इट कन्नन टेम्पल एलिफेंट राइटर क्या बोल रहे हैं कि जब मैं उसे पास से देखा तो क्या रियलाइज किया क्या महसूस किया कि अरे ये तो टेम्पल का हाथी है ये तो मंदिर हाथी है और इसका नाम क्या है कन्नन है आई रियलाइज डेट इट वॉज दलिफेंट इस हाथी का क्या नाम है कन्न कहा मंदिर में रहता है बट वेयर वॉज हिज महावत महावत किसको बोलते हैं अ पर्सन हु राइड्स एंड लुक्स आफ्टर एलिफेंट जो हाथी का देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं महावत जो एलिफेंट की सवारी करता है उसको महावत बोला जाता है तो राइटर क्या बोलते हैं जब मैं पास उस एलिफेंट को देखा तो क्या महसूस किया कि अरे ये तो मंदिर कहाँ थी है जिसका नाम कन्नन है बट वेयर वॉज इज महावत लेकिन इसका महावत नंदन कहाँ है इसके महावत का क्या नाम था नंदन एलिफेंट का नाम कन्नन और एलिफेंट के महावत का नाम नंदन आई हेड नेवर सीन वन विदाउट द अदर क्या बोल रहे हैं राइटर कि मैं आज तक इन दोनों को कभी अलग अलग नहीं देखा हूं हमेशा कन्नन को और नंदन को साथ ही में देखा हूं द डॉक्टर हु माई न्यू टोल्ड मी दैट नंदन हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल तब रा, राइटर क्या बोल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर जिसको मैं जानता हूं उसे जाकर मैं पूछा कि नंदन कहा है तो डॉक्टर क्या बताए कि नंदन जो है हॉस्पिटल में एडमिट है द डॉक्टर हु माई न्यू टोल्ड मी दैट नंदन हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ही हैड हैड अ सडन हार्ट अटैक उसे अचानक से हार्ट अटैक आया था नंदन को लकली ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो अभी खतरे से बाहर है नंदन को अचानक से हार्ट अटैक हुआ था और अब वो खतरे से बाहर था बट ही विल हियर फॉर एटलीस्ट अनदर वीक द डॉक्टर लेकिन डॉक्टर क्या बोले थे कि ये तो अभी खतरा से बाहर है लेकिन इसको अभी अनदर वीक अगले हफ्ता तक एक हफ्ता तक अभी और इसे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा कन्नन हैड फॉलोड हिज महावत टू द हॉस्पिटल। और कन्नन जो था अपने महावत को फॉलो पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच गया था वॉज नाउ रेफ्यूजिंग टू लिव और वो अब मना कर रहा था वहां से जाने से कन्नन हैड फॉलोड हिज महावत टू हॉस्पिटल ही वॉज नाउ रेफ्यूजिंग टू लिव प्रभाकरन, प्रभाकरण असिस्टेंट महावत टॉकिंग टू ये अभी महावत कौन है क्या नाम है उसका प्रभाकरण तो मैं क्या देखा कि प्रभाकरण जो है कन्नन से बात कर रहा है आई सा प्रभाकरण असिस्टेंट महावत टॉकिंग टू कन्नन। ही वॉज ट्राइंग टू टेक हिम अवे वो कोशिश कर रहे थे कन्नन को यहाँ से ले जाने के लिए कौन कोशिश कर रहा था कन्नन को यहाँ से ले जाने के लिए असिस्टेंट महावत असिस्टेंट महावत का क्या नाम था प्रभाकरण ही टू टेक हिम अवे आई वेंट अप टू प्रभाकरण एंड आस्ट हिम वॉट जाकर पूछा कि बताओ नंदन को क्या हो गया देन वॉट डिड प्रभाकरण रिप्लाइड प्रभाकरण रिप्लाइड ही वॉज गिविंग कन्नन अ बाथ इन द रिवर तो प्रभाकरण क्या बताता है कि नंदन जो था नदी में कन्नन को नहला रहा था

आवाज लगाया जब वो नंदन बेहोश होकर नदी से बाहर आकर बेहोश हो जाता है तो मैं मदद के लिए आवाज लगाता हूँ और नंदन को हॉस्पिटल ले आता हूँ आई कोल फॉर हेल्प एंड वी ब्रॉट हिम टू द हॉस्पिटल एंड वॉट अबाउट कन्नन आई आस्ट तो मैं पूछा कि अच्छा वो तो ठीक है लेकिन कन्नन ये यहाँ कैसे प्रभाकरन स्प्लेन ही सॉस टेक इन नंदन अवे इन अकार क्या बोलते हैं कि ये जो कन्न है हम लोग को आ, देख लिया था कि हम लोग उसके महावत नंदन को कार में लेकर जा रहे हैं एंड फॉलोडस और क्या किया वो हम लोग का पीछा करके यहां तक पहुंच गया प्रभाकरण स्प्ले ही सॉस टेक इन नंदन अवे इन अकार एंड फॉलोडस ऑल द वे टू द हॉस्पिटल स देन और अभी जब से नंदन यहाँ आया हुआ हॉस्पिटल में और कन्नन भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया तब से वो अभी तक यहाँ ऐसे ही खड़ा है The डॉक्टर्स आर नॉट happy अबाउट that, प्रभाकरण तो मैं बोला कि देखो डॉक्टर ऐसे देखकर खुश नहीं हो रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में हाथी को देखकर लोग भीड़ लगा दे रहे है हॉस्पिटल में आवाज हो रहा है हल्ला हो रहा है तो डॉक्टर ऐसे खुश नहीं होगा बल्कि गुस्सा करेगा दे वॉन्ट द एलिफेंट टेकन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल कंपाउंड क्या बोलते है कि ये लोग चाहते है डॉक्टर्स लोग चाहते है की एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालकर कहा ले जाने के लिए हॉस्पिटल कम्पाउंड में राइटर जो थे क्या बोलते हैं की डॉक्टर्स जो लो, डॉक्टर्स लोग है प्रभाकर यहाँ देखकर खुश नहीं है वो चाहते है कि तुम हाथी को, को लेकर हॉस्पिटल कंपाउंड में बाहर हॉस्पिटल कंपाउंड में चले जाओ द डॉक्टर्स आर नॉट हैप्पी अबाउट डेट प्रभाकरण दे वॉन्ट द एलिफेंट टेकन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल कंपाउंड आई टोल्ड प्रभाकरन आई नो बट हाउ कैन आई मेक हीम अंडरस्टैंड दोलता है कि मुझे पता है कि डॉक्टर लोग उसको देखकर खुश नहीं है लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊं कैसे यहाँ से बाहर ले जाऊं आई नो बट हाउ केन आई मेक हीम अंडरस्टैंड दैट सेठ प्रभाकरण नंदन नेवर यूज अ स्टिक और स्टील टू गॉड हिम क्या बोलता है कि नंदन जो है नंदन महावत है ना उसका बोलता है कि नंदन आज तक कभी भी कन्न पर स्टिक नहीं उठाया है या फिर स्टील रॉड नहीं उठाया है हाउ केन आई यूज नाउ और मैं इस अब कैसे उठा सकता हूँ टेक हिम टू द सेड ऑफ द ट्रीज फॉर द टाइम बीन तो क्या बोलते हैं राइटर कि ठीक है तुम तब तक इसको पेड़ के नीचे ले जाओ आई सेड यू मे बी एबल टू टेक हिम अवे लेटर थोड़ा देर के लिए तो तुम इसको ले जा सकते हो न बाहर टेक हिम टू द सेड ऑफ द ट्रीज फॉर द टाइम बीन आई सेड यू मे बी एबल टू टेक हिम अवे लेटर कन्न रेफ्यूज टू मूव फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंड इन लेकिन कन्न जो था रेफ्यूज कर देता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं यहाँ ही खड़ा रहूंगा जहाँ पे खड़ा हूँ कन्नन रेफ्यूज टू मूव फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग ही वॉन्टेड टू बी एज क्लोज एज नंदन एज पॉसिबल कन्नन जो था उसको लग रहा था कि उसका महावत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो उसके पास चला जाए कन्न रेफ्यूज टू मूव फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग ही वॉन्टेड टू बी एज क्लोज एज नंदन ही वॉन्टेड टू बी एच क्लोज एच टू नंदन एच पॉसिबल विथ ग्रेट डिफिकल्टी प्रभाकरण मूव डिम टू दूट ऑफ अ लास्ट ट्री नियर दॉस्पिटल वॉल बहुत दिक्कत के बाद प्रभाकरण जो था कन्न को थोड़ा दूर के लिए हॉस्पिटल हॉस्पिटल से बाहर निकालकर एक पेड़ के नीचे जहां पे की हॉस्पिटल का दीवाल था वहां पर ले जाता है विथ ग्रेट डिफिकल्टी प्रभाकरण मूव डिम टू द फुट ऑफ अ लार्ज ट्री नियर द हॉस्पिटल वॉल नंदन वॉज डिस्चार्ज सेवन डेज लेटर अब डॉक्टर बोले थे ना कि उसको एक सप्ताह वहां पर रहना है तो नंदन uh, डिस्चार्ज हो जाता है एक सप्ताह के बाद सेवन डेज के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है नंदन वॉज डिस्चार्ज सेवन डेज लेटर डिस्चार्ज मतलब म फ्रॉम द हॉस्पिटल मतलब की उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है सात दिन के बाद ऑल दिस वर्ल्ड कन्न वेटेड फॉर हिम अंडर द ट्री और कन्न कहा नंदन का पेड़ के नीचे ऑल दिस वर्ल्ड कन्न वेटेड फॉर हिम अंडर द ट्री ही सीम्ड सैड एंड वरीड एन एट नथिंग वो बेचारा दुखी था क्योंकि उसका महावत उसका मालिक जो था बीमार था इसलिए वो उदास था और चिंतित था और कुछ भी नहीं खाया था नंदन वॉज डिस्चार्ज डेज़ लेटर। ऑल दिस कन्नन द ट्री सीम्ड सैड एंड वरीड एंड एट नथिंग वेन नंदन बी केम स्ट्रॉन्ग टू वॉक अ लिटिल ही वेन टू मीट कन्नन। जब नंदन कुछ ठीक हो गया चलने लायक हो गया तो कहां पे गया कन्नन से मिलने गया वे नंदन बीकेम स्ट्रांग टू वॉक अ लिटिल ही वेन टू मीट कन्नन द एलिफेंट आईज लीट विद ज्वाई जब नंदन कुछ चलने लायक हो गया तो किससे मिलने गया कन्नन से मिलने गया और जब एलिफेंट देखा कि उसका मालिक उसका महावत उसको मिलने आया है तो उसका आंख जो था खुशी से क्या हो जाता है चमकने लगता है वेव डिज स्ट्रंग वो अपना सूर को वेव करता है हिलाता है फ्लैप फ्लैप्ड फ्लैप हिज इन फिर अपने कान को क्या करता है बड़ा कान को आगे पीछे करके हिलाता है एंड टू का फ्यू डांसिंग स्टेप और कुछ अपने पैर को हिलाता है डांस करते हुए वेन नंदन बीकेम स्ट्रॉन्ग एन अफ टू आक लिटिल ही वेन टू मीट कन्न द एलिफेंट आइज लीटअप विथ जुआर

पेटिन हिम उसका पीठ तो थपथपाते थप हुए बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कनन, मुझे पता है कि तुम पूरे सप्ताह मेरा वेट किए हो वरी चिंता मत करो वी कैन गो होम नाउ हम लोग अब घर जा सकते हैं देन ही हेल्ड आउट अ बंच ऑफ बनाना फिर वो क्या करते हैं एक बंच बनाना का निकालते हैं और एलिफेंट को मुंह में देते हैं और एलिफेंट क्या करता है खुशी खुशी उसको निकल जाता है जल्दी जल्दी वी कैन गो होम नाउ देन ही हेल्ड आउट ऑफ बनाना एलिफेंट गोवल्ड ऑफ हैुकर अब जो अगल बगल लोग थे वो लोग आश्चर्य जस्ट लुक एट डेट द्लेम्ड लोग आपस में बात कर रहे हैं अरे देखो देखो उन लोग दोनों को देखो दीज टू आर मोर लाइक ब्रदर्स देन एलिफेंट एंड महावत और ऑन लुकर्स क्या बोलने लगे कि अरे देखो उन लोग दोनों को देखो दिस टू आर मोर लाइक ब्रदर्स देन एलिफेंट एंड महावत क्या बोलते हैं कि इन लोग एलिफेंट और महावत तो बाद में है देखने से लगता है कि दोनों क्या है भाई है दोन लुकर जस्ट लुक एट दैट द स्क्लम दिस टू आर मोर लाइक ब्रदर्स देन एलिफेंट एंड महावत नाउ डियर स्टूडेंट योर चैप्टर हैज बीन कम्प्लीटेड यू ऑल प्लीज रीड इट वंस अगेन एट योर हैम And learn what meaning of this chapter and also the question answer of this chapter. Because your examination is going to start from 1st March. So all of you pay attention to your studies. Thanks. Have a nice day.